आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 46वां अध्याय वचन 13 से 24। प्रतिदिन तू वर्ष भर का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होमबलि के लिए तैयार करना। यह प्रति भोर को तैयार किया जाए। प्रति भोर को उसके साथ एक अन्नबलि तैयार करना, अर्थात एपा का छठवां अंश और मैदा में मिलाने के लिए हीन भर तेल की तिहाई, यहोवा के लिए सदा का अन्नबलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया जाए। भेड़ का बच्चा अन्नबलि और तेल प्रति भोर को नित्य होमबलि करके चढ़ाया जाए। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों को भी मिले। भाग के नियम के अनुसार वह उनका भी निज धन ठहरे। परंतु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे तो छुट्टी के वर्ष तक तो वह उसका बना रहे, परंतु उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेर से उनकी निज भूमि से छीना हो। अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि में से भाग दे। ऐसा न हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तितर बितर हो जाएं। फिर वह मुझे फाटक के एक और के द्वार से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया। वहां पश्चिमी ओर के कोने में एक स्थान था। तब उसने मुझसे कहा, यह वह स्थान है जिसमें याजक लोग दोष बलि और पाप बलि के मांस को पकाए और अन्न बलि को पकाए। ऐसा न हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरे। तब उसने मुझे बाहरी आंगन में ले जाकर उस आंगन के चारों कोनों में घुमाया और आंगन के हर एक कोने में एक एक ओट बना था, अर्थात आंगन के चारों कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ चौड़े ओट थे। चारों कोनों के ओटों की एक ही माप थी। भीतर चारों ओर दीवार थी और दीवारों के नीचे पकाने के चूल्हे बने हुए थे। तब उसने मुझसे कहा, पकाने के घर जहाँ भवन के टहलुए लोगों के बलिदानों को पकाए वे ये ही हैं।